एक ऐसा बॉडी गेट है जिसे हम पहली बार फिट किए थे ना, तो हम इसे फिटिंग ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये सिस्टम अगर आपके साथ भी पहली बार होता है तो थोड़ा सा आपको उल्टा दिक्कत पड़ सकता है। चलिए इसे हम फिटिंग शुरुआत करते हैं। और इसका खोलने का सिस्टम भी जो है ना बहुत अलग है। जिस तरीके से हम फिटिंग करेंगे उसी तरीके से हम आपको बताएंगे, मतलब इसे खोला कैसे जाता है। इस बॉडी गेट को पूरा आपको लूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से फिटिंग करना पड़ेगा। है तो काफ़ी पुराना, लेकिन काफ़ी लोग इसे फिटिंग नहीं किए हैं। जैसे हम भी फिटिंग नहीं किए थे तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। कौन सा कन्फ्यूज़न, वही चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकता है। दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इस सब जो है जेट का है। ये सारा स्क्रू वगैरह सब खोल के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको लूज करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो है वाइसर साथ में रहता है, और उस जो नट को मैं नोजल को जो टाइट किया हूँ एक्सटेंशन को, उसके बाद उसे फिटिंग करने के बाद इसे आपको कसना पड़ेगा इसमें। ओके, अब देखिए, चलिए अब देखते हैं। ये बॉडी गेट के साथ जो ये जो एलेंकी आता है ना, ये एलेंकी का साइज बिल्कुल अलग है। मतलब जो आप बॉडी गेट वगैरह लगाते हो, हमारे पास 10 mm 8 mm का एलेंकी रहता है, उसमें से नहीं होगा, ठीक है। उसमें से ये एलेंकी आपको रखना है। ये एलेंकी बहुत काम में आएगा कॉलर का, इस सब बॉडी गेट वगैरह टाइट करने में। आप इस बॉडी गेट को लगाने के बाद इसमें एक स्क्रू आता है, स्क्रू को आपको टाइट करना है। अगर इसे आप टाइट नहीं करेंगे क्या होएगा, आप जब भी पानी चालू करेंगे वो बाहर आ जाएगा और वापस निकल के पूरा बाहर गिरने लगेगा, तो उसे लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हम बबल लेवल से इसे चेक कर रहे हैं। ओके, आप इसे इस तरीके से थोड़ा सा स्क्रू लूज रखिएगा जो अभी हम टाइट किए हैं। उसके बाद इसे आप लेवल करके यहाँ पर इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। ये हो गया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। चारों के चार इनर जेट पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब जो है ये वाटर फ्लो जेट है, ठीक है। इसमें आप स्क्रू देख रहे हो, दो है, वो नीचे की साइड रहेगा, ठीक है। आप देखिएगा, इस जेट में दो स्क्रू सिस्टम रहता है। यही चीज़ हम जो है जब पहली बार लगाए थे वो प्रॉब्लम कर चुके थे। अब उसके बाद यहाँ पर ये दो एलेंकी को आप टाइट कर दीजिए, अब आपको समझ में आएगा। और ये जो नट जो टाइट कर रहा हूँ ना, इस नट के पीछे एक वाइसर रहता है, मतलब जो हमारा वाटर फ्लो है ना उसके बिल्कुल पीछे साइड में रहता है। अगर वो वाइसर भी नहीं देंगे आपका लीकेज होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इस जेट को जब खोलेंगे ना, जिस तरीके से अभी लगा रहा हूँ उसी तरीके से आपको इस जेट का पूरा सेट आता है। आपको खोलना पड़ेगा पहले, ये सारा चीज़ को लूज करके फिर से आपको फिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप फिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका इनर पार्ट में आपको स्क्रू वगैरह टाइट करना पड़ेगा इसके वजह से। ओके, अब ये जो रबर भी है, जो हमारा वाइसर सिस्टम देख रहे हो, इसे भी अच्छे से प्रेस करके बैठाना है। अब जैसे हम रबर लगाए हैं उसी तरह से रबर भी आपको खोलना पड़ेगा। अब ये एंड में फाइनल प्लेट लगता है, यही जो प्लेट है ना, इसी प्लेट में आपको डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप पहली बार लगाओगे। इसमें क्या है, स्क्रू सिस्टम है। अब देख लीजिए, दो जो स्क्रू है इसे टाइट करना पड़ेगा, नहीं जब प्लेट लग जाता है उसके बाद इसे लूज करना पड़ेगा, मतलब बाहर की साइड घुमाइए। और इसमें जो है ना, यही स्क्रू, कभी भी आप प्लेट खोलते हो स्क्रू को आप थोड़ा टाइट करके अंदर कर दीजिए। इसे अगर आप बाहर निकालते हो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, और वही चीज़ आप गड़बड़ कर दोगे अगर आप पहली बार लगाओगे तो आपका क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्रू बिल्कुल पूरा तरीके से बाहर नहीं निकलने वाला और आपका वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा घुमाकर अंदर टाइट कर दीजिएगा, आपका प्लेट निकल जाएगा। उसके बाद वाइसर, उसके बाद वाटर फ्लो ब्लैक वाला, ब्लैक कलर का जो मैं लगाया था, बस उसके बाद जिस सिस्टम से हम लगाए हैं जेट को, उस सिस्टम से आप लगाइए। अब चलिए, ये जो डायबेटर है हम लगा चुके हैं पहली बार भी, कंसील फिटिंग का भी इसका वीडियो हम बनाए नहीं है, लेकिन दूसरा वीडियो जरूर बनाए हैं सेम डायबेटर का। अब इसमें एक सिस्टम अच्छा है, इसमें 2-in-1 है, मतलब डायबेटर तो एक है लेकिन इसमें एक साथ पानी दो तरीके से आएगा। आप स्पाउट में और शावर में पानी लेंगे आएगा, आपका बॉडी जेट और शावर में पानी लेंगे वो भी आएगा, एक साथ दोनों में पानी आएगा, या फिर सिर्फ एक साथ दोनों में नहीं, एक साथ एक में भी आएगा। आप सिंगल लेंगे या फिर 2-in-1 लेंगे, जिस तरीके से लेना चाहेंगे उस तरीके से पानी आएगा। चलिए इसे हम पूरा फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका पानी चालू करके, ठीक है। ये चीज़ में जो है ना, अगर थोड़ा सा लुब्रिकेंट रहता है, मतलब ये जो मैं प्लेट लगा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट दे दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ता है, इतना टाइट पकड़ता है मतलब आप प्रेस करेंगे ना जाएगा ही नहीं। तो अब मेरे पास लुब्रिकेंट था इसके वजह से हम लगा दिए हैं, लेकिन कॉलर वाले इसमें देते नहीं है। हंस ग्रोए वाले और ग्रोए वाले लुब्रिकेंट जरूर देते हैं, ये सारे सिस्टम में फिटिंग करने में बहुत आसानी भी होता है। बाकी सर जी, आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो या फिर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते हो, ये सारा चीज़ जरूर करिएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। पहले यहाँ पर देख लीजिए पानी का फॉलो, मतलब यहाँ प्रेशर पंप नहीं है, जो बोलते हैं ना बॉडी जेट में प्रेशर पंप चाहिए कि नहीं, इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। बॉडी जेट में आपको प्रेशर पंप पड़ जाएगा, अगर 15-20 फीट ऊपर आपका टैंक रहता है फिर भी पड़ता है बॉडी जेट में प्रेशर पंप, ठीक है। बिना प्रेशर पंप का बॉडी जेट नहीं चलेगा, हाँ बिल्डिंग साइड में आपका चल जाएगा। अब चलिए हम प्रेशर पंप चालू करके बॉडी जेट चालू करते हैं। कर दिए,
देखिए एक ही डाइवर्टर है, बॉडी जेट के साथ आपका स्पाउट भी चल रहा है, और स्पाउट नहीं आप जो भी चाहेंगे वो चलता रहेगा। देखिए अभी देखिए शावर और बॉडी जेट दोनों एक साथ चल रहा है, मतलब आप एक साथ बॉडी जेट और शावर का दोनों का मजा लेंगे एक सिंगल लेवल डाइवर्टर जैसे लुकिंग में।